अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग आइडियाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं ये आपको अंगरखा कुर्ती की स्टिचिंग बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी, इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ये मैंने देखें, इस पर छोटी सी लेस यूज़ की है दोनों साइड्स पर, और ये नीचे घेर में इसके मैंने बॉर्डर यूज़ किए। इस कुर्ती के साइड से एक बॉर्डर निकला था जिसको मैंने घेर में यूज़ किया। इसी की कटिंग स्टिचिंग आपको मैं बताऊंगी अभी। ये कटिंग तो मैंने कर ली थी, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने एक पट्टी ली है, ये देखें, ये एक पट्टी ली है मैंने जिसको डबल फोल्ड कर लिए मैंने, और इसकी विड्थ मेरे पास डबल फोल्ड करके 1 इंच है, यानी अगर इसको खोलें तो ये 2 इंचेस है, और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ जो है वो 1 इंच बनती है। इसको इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया और डबल फोल्ड कर दिया। ये देखें, ये हमारी फ्रंट साइड है और इसके ये राइट साइड है, फ्रंट साइड की भी राइट साइड है, क्योंकि अंगरखा स्टाइल है तो इसको हमने 2 हिस्सों में काटा था, तो ये राइट साइड है। इस राइट साइड पे पूरी हम ये पट्टी जो है लगाएंगे, इस तरह से रख के पट्टी को, तो इसके साथ साथ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और पूरी राइट साइड पे ये पट्टी लग जाएगी। और ये फ्रंट साइड की जो साइड मैंने रखी है, ये मैंने इसको फैब्रिक को उल्टा करके रखा है, उल्टी साइड पे लगा रही हूँ पट्टी, तो जब इसको हम पलट के सीधी साइड पे करेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। ये इस तरह से ये कॉर्नर यहाँ से बनाएंगे, ये जहाँ से हमने नेक की कटिंग की थी यहाँ से इस तरह से एहतियात से कॉर्नर बना लेंगे, और इसको इस तरह स्टिच करते हुए नेक से पूरा स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये याद रखिएगा कि ये हमारी राइट साइड है, मतलब फ्रंट साइड को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक राइट साइड थी और एक लेफ्ट साइड थी। जो पूरी पट्टी हमने लगानी है वो राइट साइड में लगानी है, राइट साइड को हमने उल्टा करके रखा है, और अब इस तरह से ये देखें, ये पट्टी जो है सीधी साइड पे पलट के हम इस पर इस तरह से स्टिच कर देंगे, ये देखें। और ये हमारी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड को भी हमने उल्टा करके रखा है, और इस पर इस तरह डबल फोल्ड की हुई हम पट्टी लगाएंगे, लेकिन लेफ़्ट साइड पे हमने सिर्फ नेक पे पट्टी लगानी है, पूरी लेंथ में हमने पट्टी नहीं लगानी, क्योंकि ये साइड हमारी राइट साइड के नीचे आ जाएगी, ये सिर्फ इसकी नेक दिखाई देगी इस तरह से, सिर्फ यहाँ तक हमने नेक तक इसकी ये पट्टी लगानी है, ये देखें, ये सिर्फ नेक तक हमने पट्टी लगाई है। और अब इसको हमने पलट के सीधा कर देना है, ये देखें, ये राइट साइड पे जो हमने पट्टी लगाई है फुल पूरी लेंथ में जो लगाई है, ये इस तरह से देखें, ये वो साइड है, राइट साइड है। अब इसको हमने राइट साइड पलट दिया पट्टी को, अब हमें इसके अंदर छोटी सी एक लेस रखेंगे और लेस लगाएंगे इसके अंदर हम, ये देख सकते हैं, ये आप मेरे पास एक गोल्डन कलर की छोटी सी बारीक लेस है, इसको इस तरह से इसके अंदर रख के और ऊपर से स्टिच कर देंगे हम इस तरह से, ये देखें, ये जो फोल्डिंग थी हमारी इसके अंदर रख के ऊपर हमने इसकी सिलाई लगानी है बिल्कुल साथ साथ से इस तरह से, ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे, ये देखें, ये बहुत खूबसूरत लग रही है, बारीक सी लेस है, इसको हम यहाँ भी यूज़ करेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से ये लगाएंगे, ये लगने के बाद बहुत खूबसूरत लगी है, ये देखें, इस तरह से एहतियात के साथ
इसको आराम से, इसको खींचना नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर इसको हम खींचेंगे तो फिर ये हमारी अच्छी नहीं लगेगी लेस, इसलिए हमने इसको खींचना बिल्कुल नहीं है। ढीले हाथ के साथ इसको हमने स्टिच करना है इस तरह से। ये पूरी लेंथ में जो हमने पट्टी लगाई थी, इस पूरी पट्टी के साथ साथ हमने इसको इस तरह से अटैच करते जाना है अपनी लेस को, बहुत एहतियात के साथ। ये देखें ऐसे, ये इस तरह से हमने पूरी पट्टी में लगा ली। अब इसकी जो दूसरी साइड है नेक की अंदर की साइड, उस पे भी इसी तरह हम ये रख के लगा लेंगे ये लेस इस तरह। ये देखें अंदर जो नेक की अंदर वाली साइड थी, वहाँ भी इसी तरह रख के लगाएंगे, जिससे ये इसकी लुक बहुत खूबसूरत आ जाएगी। ये कुर्ती हमारी बिल्कुल प्लेन थी, बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था, सिर्फ थोड़ी सी इसके ऊपर ये डॉट्स से थे। ये हमारी ब्रांडेड कुर्ती थी, इस पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं थी, लेकिन ये जो स्लीव्स में से कपड़ा बचा था उसको मैंने फ्रंट पे लगा के और इसके साइड पे ये लेस लगा दी है, जिससे ये बहुत खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बन गया। ये कॉर्नर पे हम पहुँचे, यहाँ से एहतियात के साथ आपने ये देखे इस तरह से एहतियात के साथ मोड़ के लेस लगानी है इस तरह से। ये बारीक लेस है, ये लगाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन एहतियात से लगाई जाए अगर तो फिर ये ठीक लग जाती है। ये देखें इस तरह से आराम से हम इसको लगाते जाएंगे और पूरी लेंथ में इस तरह से हमने ये लगा लिए, और ये दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से नेक पे ये अटैच कर दी है। ये देखें ये अभी हमारी लेस लग गई है, और देखें इसकी लुक कुछ इस तरह से, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये हमारी फ्रंट साइड के दोनों पीसेज हैं, राइट और लेफ्ट दोनों। ये देखें ये लेफ्ट साइड और ये हमारी राइट साइड जो हमारी ऊपर आएगी। अब ये यहाँ से जहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था, यहाँ से फ्रंट और बैक, सॉरी फ्रंट के दोनों पीसेस के जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था, वहाँ हम पिंस लगा देंगे ताकि ये हमारा कपड़ा हिले ना। और यहाँ नेक की साइड से स्टार्ट करते हुए हमने इन दोनों पार्ट्स को अटैच करना है इस तरह से, स्टिच लगाते जाएंगे। जहाँ पे हमने लेस लगाई थी वहीं से हम आराम आराम से स्टिच लगाते जाएंगे, और इसको हमने नीचे तक लेके जाना है, लेकिन फुल लेंथ में हमने इसकी स्टिच नहीं लगाना, क्योंकि ये अंगरखा स्टाइल है तो ये थोड़ा सा नीचे से ओपन होगी कुर्ती। ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि कहाँ तक हमने इसको स्टिच करना है। ये देखें ये हम यहाँ तक स्टिच करेंगे, और इससे नीचे हम ओपन, ये एरिया हम ओपन छोड़ देंगे। ये तकरीबन 12 इंचेस तक हमने छोड़ दिया है और ऊपर तक स्टिच लगा दिया। ये देखें ये इस तरह से स्टिच लग गए, ये रेडी हो गए। अब ये जो अंदर की साइड पे ये जो फैब्रिक था, इसको भी हम डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ इस तरह सिलाई लगा देंगे ताकि नीटनेस आ जाए इसके अंदर। ये इस तरह से ये हम सिलाई लगा देंगे। अब ये हमने बैक पीस लिया है, इसकी नेक कट करेंगे। 3 इंचेस हमने विड्थ रखी है इसकी, और 2.5 इंचेस हमने इसकी लेंथ रखी है, और इस तरह से इसको राउंड शेप दे देंगे हम इस तरह से, और अब इसको हम कट कर देंगे। ये देखें ये इस तरह से हम बैक की नेक को कट कर देंगे। ये हमारी नेक कट हो गई बैक की, और अब ये हमने एक स्ट्रिप ले ली है, तकरीबन 2 इंचेस की ये हमने स्ट्रिप ली है, और इसको हम अब बैक साइड की ऊपर रख के इस तरह से
स्टिच कर देंगे और फिर इसको रॉन्ग साइड पे पलट देंगे। राइट साइड पे रखेंगे हम और इसको रॉन्ग साइड पे पलट देंगे। ये रेप पट्टी ली है मैंने क्योंकि राउंड जहाँ भी राउंड शेप होती है वहाँ पे हम हमेशा रेप पट्टी लगाते हैं, वहाँ सीधी पट्टी नहीं लगाई जाती वरना नीटनेस नहीं आती है। ये देखें, ये मैंने इस पूरी नेक में इस तरह से ये पट्टी लगा दी है। ये नेक में पट्टी लग गई है। अब हमने फ्रंट और बैक के शोल्डर जोड़ने हैं। ये देखें, ये बैक साइड है, ये अभी हमने अंदर की तरफ नेक को नहीं मोड़ा है बल्कि ये दोनों हम इस तरह से शोल्डर जोड़ के फ्रंट और बैक के और इसके ऊपर इस तरह से स्टिच लगा देंगे। इस तरह से ये फ्रंट और बैक जुड़ गया है। ये अब हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। ये इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं, दोनों साइड से लगा देंगे हम और अपनी कुर्ती की फिटिंग कर देंगे। और लास्ट पे इसका घेर में बॉर्डर लगाना रह गया, वो मैं बताती हूँ आपको। ये साइड से जो हमारे कुर्ती में से कपड़ा निकला था ये बॉर्डर के तौर पे यूज़ करेंगे। ये हमने कुर्ती की रॉन्ग साइड पे रखा है बॉर्डर और इसको स्टिच करेंगे और उसके बाद इसको राइट साइड पे पलट के इसके ऊपर एक और स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा बॉर्डर रेडी हो जाएगा। ये मैं अभी आपको रेडी करके और स्लीव्स अटैच करके फाइनल लुक दिखाती हूँ इसके। ये देखें, ये मैंने बॉर्डर लगा दिया है। ये राइट साइड पे टर्न करके इसके ऊपर एक और स्टिच लगा दिया है इस तरह से। ये देखें, और ये कुर्ती हमारी बनके रेडी हो गई है। देखें यंग रखा स्टाइल कुर्ती हमारी, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये मैंने स्लीव्स भी अटैच कर दी हैं, इसके फ्रंट पे भी मैंने ये लेस अटैच कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।